This is Muhammad Iqbal Khan, advocate from Iqbal International Law Services. Today we are delivering a legal lecture on the topic of de facto guardian. आज हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है de facto guardian. De facto guardian क्या होता है? देखिए हमारा टॉपिक है de facto guardian, यानी guardianship के हवाले से, minor के हवाले से, के बच्चे के सरपरस्त के हवाले से de facto guardian क्या होता है? What is the de facto guardian? Today this is our topic for delivering a legal lecture. देखिए de facto guardian, de facto, देखिए लफ्ज de facto एक लैटिन वर्ड है, लातीनी जबान का अल्फाज है, लैटिन वर्ड है de facto. इसके मानी है इनफेक्ट, यानी दैट इज ट्रू इनफेक्ट बट नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज, दैट इज कॉल्ड ए de facto guardian. That is true in fact but not recognized officially. यानी हकीकी वली को हम de facto guardian कहते हैं. 1938 में पटना की अदालत ने AIRS रूलिंग में है कि हकीकी जो de facto क्या होता है de facto guardian, उसकी उसने definition की है, उसको तारीफ किया है कि what is the de facto guardian. देखिए वो शख्स जिसको ना तो अदालत मुकरर करती है, ऐसा शख्स which is neither appointed by the court nor he has any legal capacity. यानी वो शख्स जिसको ना तो कोर्ट अपॉइंट करती है और ना ही उसकी कानूनी वली की एक हैसियत होती है, लेकिन फिर भी वो शख्स किसी मैनर की प्रॉपर्टी का इंतजाम संभाले, उसको de facto guardian कहते हैं. इन de facto guardian means वो शख्स जिसको ना तो अदालत अपॉइंट करती है और ना उसकी कोई लीगली हैसियत होती है एक वली की तरह, ना तो किसी एक वली की तरह, एक कुदरती गार्डियन की तरह उसकी हैसियत होती है, ना ही उसको कोर्ट अपॉइंट करती है, लेकिन फिर भी वो माइनर की प्रॉपर्टी का इंतजाम संभालता है, माइनर की प्रॉपर्टी को देखभाल करता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनर, उसको हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड द de facto guardian. उसको de facto guardian कहा जाता है. देखिए जो फादर होता है माइनर का, बच्चे का, वार्ड का, माइनर का जो फादर है, तो फादर इज कॉल्ड द de facto guardian. फादर de facto guardian होता है. 2018 CLC पेज 452 इस्लामाबाद, ये एक रूलिंग है, उसने भी यही करा दिया गया है कि बाप जो होता है वो de facto guardian होता है. 2018 CLC पेज 452 इस्लामाबाद, ये इसमें कोर्ट ने ये कहा है कि फादर इज ए de facto guardian. देखिए इस्लामी कानून के तहत भी, एज पर लॉ ऑफ द इस्लामिक लॉ, इस्लामी कानून के मुताबिक भी वालिद जो है वो नेचुरल गार्डियन होता है, de facto guardian होता है, कुदरती वली होता है. कुदरती वली जो होता है वो बाप होता है, इस्लामी कानून भी यही कहता है. इस हवाले से हायर कोर्ट की रूलिंग्स भी मैं आपको बता दूं. 2018 CLC पेज 382 लाहौर, इसके अलावा 2018 MLD पेज 1592 लाहौर, और इसके अलावा 2018 MLD पेज 591 क्वेटा, इसमें भी यही कहा गया है कि इस्लामी कानून के तहत फादर इज द कुदरती वली, कुदरती वली जो होता है, और वालिद जो होता है नाबालिग लड़की का भी हकीकी सरपरस्त जो होता है, जिसको हम कुदरती वली कहेंगे, हकीकी सरपरस्त वालिद ना एक नाबालिग लड़की है, माइनर लड़की है, तो फादर उस माइनर लड़की का फादर ही हकीकी सरपरस्त होगा. इसमें कोर्ट ने भी डिक्लेयर किया है, वो हम आपको रूलिंग बता देते हैं. 2016 MLD पेज 801 MLD पेज 801 2016 की, और सोतीले बाप और माँ की बजाय बाप को प्रेफर किया जाता है. अगर सोतीला बाप है और माँ भी मौजूद है तो भी बाप जो है वो हकीकी सरपरस्त होगा, ये याद रखें. फादर इज द नेचुरल, एक रियल, एक कुदरती वली होगा, एक हकीकी कुदरती वली कहलाएगा, एक de facto guardian होता है जो कि सोतीले बाप और माँ की मौजूदगी में भी जो हकीकी बाप है वो उसका कुदरती वली होगा बच्चे का. उसके लिए रूलिंग भी है, मैं आपको बता देता हूँ. 1984 CLC पेज है 1895
1984 सीएलसी पेज है 1895, इसमें भी यही कहा गया है कि सौतेला बाप और माँ की मौजूदगी में भी बाप जो है वो हकीकी वली होगा बच्चे का। ये था हमारा आज का टॉपिक डी फैक्टो गार्डियन के हवाले से कि डी फैक्टो गार्डियन क्या होता है। इसके साथ ही आज का टॉपिक खत्म होता है, कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अपने और अपने गिर्दोनवा का ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।